हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करें यूनिट 4 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की ग्राफ थ्योरी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। तो अ ग्राफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस। ग्राफ में वर्टाइसेस और एजेस का कलेक्शन होता है। ग्राफ के अंदर मल्टीपल वर्टाइसेस होती हैं और मल्टीपल एजेस होती हैं। या हम कह सकते हैं अ ग्राफ जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई इज़ ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड ए सेट ऑफ एजेस। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ जो है एक कलेक्शन है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस वी का और ए सेट ऑफ एजेस ई का। जैसे अगर यहाँ पर ये देखें तो ये एक ग्राफ है, तो इसमें वर्टाइसेस कौन सी हैं, ये आप जो देख रहे हो नोट्स ए बी सी डी ई, ये सारी क्या हैं, वर्टाइसेस हैं। और दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज होती है, जैसे ए बी के बिटवीन ये एज है, ए डी के बिटवीन ये एज है, बी सी की ये एज है, बी सी के बिटवीन ये एज है, डी और ई वर्टाइस के बिटवीन ये एज है, सी और डी के बिटवीन ये एज है। तो टोटल ये 5 एजेस हैं। वर्टाइसिस की क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स वी। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स वी का मतलब क्या है कि जितनी भी उस वर्टेक्स से कनेक्टेड एजेस होंगे वो सारी जो हैं वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 2 से कनेक्टेड एजेस कौन कौन सी हैं, ये दोनों हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। बी से कनेक्टेड कितनी एजेस हैं, 2। सी से कनेक्टेड कितनी हैं, 1, ये वाली एज सिर्फ है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। डी से कनेक्टेड देखो कितनी दिख रही है, 1, 2, 3, तो ये 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। ई से भी 2 कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 1 है, डी की डिग्री 3 है और ई की डिग्री 2 है। तो टोटल डिग्री कितनी हो रही है सबकी मिला के, 10 हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस कितनी थी, 5, तो 5 × 2 = 10। आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगी, जितनी एजेस हैं उससे डबल आपको टोटल डिग्री ऑफ द वर्टेक्स मिलेगी ग्राफ की। अगर सपोज करो यहाँ पर लूप होता, ए के पास लूप होता, तो यहाँ पर क्या होता, इसकी इस लूप की डिग्री 2 काउंट होती है, क्योंकि एक समझ लो ये जाने की एज है और एक आने की एज है, तो इसीलिए इसकी डिग्री 2 काउंट होती है। तो ए की अब डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 तो ये हैं एजेस और 2 ये हो जाएंगी, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। अगर ग्राफ में कोई एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है तो उसे आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे सिर्फ वर्टेक्स है ग्राफ के अंदर, कोई एज नहीं है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, आइसोलेटेड वर्टेक्स। और अगर कोई ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर सी देखो, उसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या है, पेंडेंट वर्टेक्स है। तो किसी वर्टेक्स पे सिर्फ लूप है तो उसकी डिग्री हम क्या काउंट करते हैं, 2। अब ये तो था अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन शो नहीं की गई थी एजेस के साथ। अब ये जो है ये है डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एजेस के साथ डायरेक्शन भी है। अनडायरेक्टेड में ग्राफ में हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं या फिर बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ए से बी की तरफ एज जा रही है, एरो बी की तरफ है, तो आप ए बी ही लिख सकते हो इस एज को, बी ए नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए बी सी वर्टेक्स हैं और ए बी, ए सी और सी बी, ये 3 एजेस हैं। जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें इन डिग्री और आउट डिग्री होती है। तो अगर हम देखें तो ए वर्टेक्स पे कोई भी एज उसकी तरफ नहीं आ रही है, ठीक है ना, एरो ए की तरफ कहीं भी कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी, 0। लेकिन आउटसाइड उसके एरोज जा रहे हैं, ठीक है, ए इनिशियल वर्टेक्स होके उसके थ्रू एरोज जा रहे हैं, एजेस कनेक्ट हो रही हैं दूसरी वर्टेक्स से, तो ए की आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। बी को देखो, बी में 2 एरोस इंसिडेंट हो रहे हैं तो इसकी इन डिग्री 2 हो जाएगी, और आउटसाइड कोई एरो जा रहा है या नहीं जा रहा है तो आउट डिग्री 0 हो जाएगी। अब सी में देखो, एक इनसाइड आ रहा है तो इन डिग्री 1 और एक आउटसाइड जा रहा है तो आउट डिग्री 1, तो इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों ही 1 है सी की। अब एक हैंड शेकिंग और थ्योरम है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अगर आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, याद रखना अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात की जा रही है, तो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उनकी जितनी भी वर्टाइसेस होंगी उसकी सभी वर्टाइसेस की डिग्री का अगर हम सम निकालें तो किसकी इक्वल होता है, 2 × टोटल नंबर ऑफ एजेस के।
जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब हमने सारी वर्टाइसेस की डिग्री को ऐड किया था तो हमें मिल रहा था सम 10, और वो किसके इक्वल था, 2 × 5, नंबर ऑफ एजेस कितनी है 5, तो 5 × 2 के तो 10 मिल गया। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो लेट जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ वेयर वी इज़ ए सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड ई इज़ द सेट ऑफ एजेस एस ईच एज कंट्रीब्यूट्स 2 टू द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस बिकॉज एन एज इज इंसिडेंट एग्जैक्टली ऑन 2 वर्टाइसेस। अगर हम किसी एज की बात करें तो हर एज क्या होती है, 2 वर्टाइसेस पे इंसिडेंट होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ में। जैसे ये ए के लिए भी डिग्री 1 काउंट करेगी और बी के लिए भी डिग्री 1 काउंट करने में हेल्प कर रही है, तो 2 वर्टाइसेस की डिग्री में ये ऐड हो रही है, तो इसलिए दो जो नंबर ऑफ एजेस हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एज 1 थी तो यहाँ पर टोटल डिग्री कितनी आ गई, 2, यानी कि डबल ही मिलेगी हमेशा टोटल नंबर ऑफ एजेस से, क्योंकि हर एक एज जो है 2 वर्टाइसेस पे इंसिडेंट होती है। दिस मीन्स द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज ट्वाइस टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें 10 वर्टाइसेस हैं और डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स 6 है, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, होगा कि अगर हम सम करते सभी वर्टाइसेस की डिग्री का तो हमें कितना मिलता, 6 × 10 = 60, क्योंकि 10 वर्टाइसेस हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 6 है, 6, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 60। अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 × नंबर ऑफ एजेस के, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी, 60/2 यानी कि 30, तो 30 नंबर ऑफ एजेस होंगी इस ग्राफ के अंदर।